इंसान मैं पहली बार देख रहा हूं, और उससे भी ज्यादा डेंजरस ये है कि he's an Indian. अभी लगभग 6 महीने पहले रिलीज हुई कब्जा मूवी तो आप सभी को याद ही होगी, जो कई ज्यादा हद तक KGF मूवी की कॉपी थी। इसीलिए ऑडियंस है मूवी को जितना अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए था उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया, और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ का किया था, पर मेकर्स के मुताबिक 50 करोड़ का कलेक्शन मूवी ने पहले दिन ही कर लिया था, और अब तक ये मूवी 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। मेकर्स के मुताबिक मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी ज्यादा है, पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो मूवी सुपर फ्लॉप रही। लेकिन इन सब के बीच मेकर्स ने कब्जा मूवी का सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, यानी कि अब हमें बहुत ही जल्द कब्जा मूवी का सेकंड पार्ट देखने को मिलने वाला है। पर ऑडियंस तो सोच रही है कि मूवी को लोगों से अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, और मूवी ने अपने बजट जितनी कमाई भी नहीं की, तो मूवी का सेकंड पार्ट कैसे बन सकता है। आपको बता दें कि कब्जा मूवी का बजट लगभग 120 करोड़ का था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने सिर्फ 50 करोड़ की कमाई की है। इसीलिए अब ये सवाल बनता है कि मेकर्स ने मूवी के सुपर फ्लॉप होने के बाद भी मूवी का सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट कैसे कर दी। लेकिन अब कब्जा मूवी का सेकंड पार्ट की अनाउंसमेंट मेकर्स ने कर दी है, और हो सकता है कि मूवी हमें 2024 के लास्ट तक देखने को भी मिल जाए, क्योंकि सुनने को मिला है कि कब्जा मूवी के सेकंड पार्ट की शूटिंग 2023 के लास्ट तक स्टार्ट भी हो जाएगी। इसके बाद ये मूवी हमें 2024 के लास्ट में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मेकर्स का ये डिसीजन ठीक है या फिर नहीं, और देखने वाली बात तो ये होगी कि मूवी के सेकंड पार्ट को लोगों से क्या अच्छा रिस्पांस मिलता भी है या फिर नहीं। मूवी की कास्टिंग में काफी दम था, मूवी में हमें साउथ के बड़े बड़े कलाकार देखने को भी मिले थे, लेकिन मूवी की स्टोरी और कई सीन्स KGF मूवी की कॉपी किए गए थे, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद नहीं आई, और इसीलिए ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स गई ही नहीं। और आपको बता दें इस मूवी में मेन लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार उपेंद्र देखने को मिले थे, और इनके साथ साउथ के दो सुपरस्टार सुदीप और शिवराज कुमार देखने को मिले थे। वहीं बात करें मूवी की हीरोइन की, तो मूवी में एक्ट्रेस के रोल में साउथ की बड़ी एक्टर श्रेया शरण देखने को मिली थी। वहीं बात करें मूवी के डायरेक्टर की, तो साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक आर चंदू के डायरेक्शन में बनाया गया था। अब देखना तो ये होगा कि मूवी के सेकंड पार्ट को भी आर चंदू ही डायरेक्ट करते हैं या फिर कोई और। तो दोस्तों, आप सब कब्जा पार्ट 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।